दोस्तों नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज हमारे घर पे कुछ खास है। आज नवमी है और हमारे घर पे पूजा चढ़ता है, तो दोस्तों इसीलिए हमने आए घर झाड़ रहे थे बाबा का। तो दोस्तों आज पूरे वीडियो हम दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होगा। तो पहले भी हम घर सब झाड़ बाहर कर रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों इतना निकला है। रोज़ भराता फिर भी, मतलब बाबा का घर तो रोज़ ही भरा के रोज़ ले पाता है, लेकिन मतलब कोने साने जो होता है ना, क्योंकि सामान उमान रहता है ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो दोस्तों हम पूरे दिखाएंगे, शाम में होगा पूजा, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। कैसे क्या होगा, क्या क्या बनता है, कुछ नया है दोस्तों, तो हम आप सबको दिखाएंगे। तो आप सब बने रहिए, पहले सब भराएगा, उसके बाद सारे रूम लिपाएगा, उसके बाद फिर से नहाना पड़ेगा। वैसे तो हम नहा आज पूजा किए थे, लेकिन फिर से नहाना पड़ेगा आज, क्योंकि फिर से शाम को पूजा चलेगा तो नहाना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ये काम सब पहले वो कर लेते हैं। तो सही बाबा का घर तो बननी है, तो इसीलिए आज हमारे घर पर पूजा होगा दोस्तों, तो आप सबको दिखाएंगे। अभी नहीं दोस्तों, शाम में होगा। मेरे बाबा का घर वो हो गया झाड़ के, अब ये दोनों रूम बचा है, तो ये छोटा झाड़ू से नहीं होगा, बड़ा झाड़ू से होगा। तो हम इधर से ले लेंगे, ये सबको झाड़ना होगा दोस्तों, तब से बने रहिए। तो हमारे जेठानी के घर में देखिए वो कितना बीना हुआ है, हमको लुर रही है, हमको नहीं आता है। अरे देखिए कितना डेंजर डेंजर है, आप सबको आता था बताना, एक दो हमारे लिए भी बना को भेज देना। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, हमको पता है दोस्तों इसमें से सबसे अच्छा कौन लगता है। आप पता ना कमेंट में कौन अच्छा लगता है। देखो एक उधर हाथी है, एक उधर कृष्ण जी है, ये फूल है दोस्तों, ये सुंदर लगता है, खूब अच्छा घर में है ना सजा देता। हम लोग थोड़ा सा हुआ है दोस्तों, पहले हम सोते थे ना उस रूम में, हमारे जेठानी रहती थी, तो हम आए थे ना उस दिन, एक दिन पहले ये उस रूम में चले गई थी दूसरे रूम में, तो इसके तो उसमें लगा था, उसमें लगा होगा तो अच्छा लगता था। ये भी हो जाएगा दोस्तों, हमारे भैया जी पैसे कमाते हैं ढेरे, 50-60 हज़ार को महीने कमाता है। तो अब बेचारे आएंगे तो फिर सब टाइल चुर्सी एकदम से लग जाएगा, है ना। हमारे जिटानी हंस रही बोल रहे हाँ। तब देख लीजिए दोस्तों, इधर देखिए ये पन्नी इसका वो हो गया, फिर उसे पन्नी लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। उधर डॉगी है, हाउ काथी है, कोयन है, कोयन हाउ कोयन है दोस्तों, हाउ उधर वाले कितना प्यारा प्यारा दिख रहा है, देख लीजिए कितना है। एक में अपना पिक लगाया है उधर वाले में, दोनों साइड से मतलब फूल बना हुआ है और बीच में उसका पिक लगा हुआ है, पिक दिखा रहे कैसी आप बताना, और सबरी कहते रहते दिखाने के लिए। दिख रहा है दोस्त आपको, हम नीचे से थोड़े ना आपको उतना अच्छा से दिखेगा, देख लीजिए पिक में दिखा रहे, क्योंकि वो सारे से पहले कहना, तो इसलिए दोस्तों हमारे सब बाबू जाग जाएगा, शिवान जाग जाएगा, तुम मानते नहीं रहते है, तो इसीलिए हमारी बिटिया रानी सब जाग गए। तो छोटा मोटा जागा है लल्लू पुल्लू, उधर देख सकते हैं, ओ ओ क्या कर रहा है, एक तो जग गया, अभी दो बच्चा हुआ है, एक बड़ा बाबू इधर सो रहा है, एक सिर्फ मेरी बिटिया रानी सिर्फ उस घर में। तो ताले फटाफट झाड़ बाहर कर लेते क्योंकि शाम को पूजा है दोस्तों, तो फिर मिलते बने रहिए दोस्तों। हमने ये रूम भी अपने वाला रूम भी झाड़ लिया, और आप देख सकते हैं मेरी बिटिया रानी अभी सोई है, तो फटाफट हो जाते हैं। किचन रहेगा दोस्तों तो वो भी कर लेंगे, और इस बारे वाला झाड़ सुझा रहे थोड़ा बड़ा बाहर ना, वैसे तो रोज़ बाहर आता है, ऊपर कहीं देखे झोले वोले ना हो ऐसा करके, तब से बने रहिए। तो दोस्तों हमारा घर, मेरी जेठानी का भी, हमारा रूम भी, बाबा का रूम भी, तीन रूम झड़ा के अब किचन झाड़ेंगे दोस्तों, देख सकते दोस्तों। चूर का खाना बनता नहीं, इसकी वजह से ब्लैक हो जाता है,
तो दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर। बताना दोस्तों मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी दिख रही है दोस्तों? वो बहुत झूला होता है तो इसीलिए इधर पिछाड़ने से ना उड़ा दिख रही। ऊपर रहना इसके लिए, इसकी वजह से ना ये रखा सर। तो देख सकते दोस्तों नीचे है इतना झारा हुआ, कैसा लग रहा है। तो इसको बाहरते हैं और उधर उतना निकला है बाहर है तो उधर दिख रहा है। करता हो रहा था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, तो बने रहिए। तो साफ कर देखिए कितना हो गया, वो बोले बोले के निकलता है ना जी। चिकन हो गया सब देख सकते हैं, और देख लीजिए वो उठ जाएगा और ये लिपाएगा दोस्त। देखिए बाहर देखिए दोस्तों कितना कचरा निकला है झूला झूला झाड़ने पर। ये आंटी जी का घर है, उनका एक किचन है, और ये दोस्तों वो नहीं है अपने मायके गए, यानी मेरी सास की क्या बोलते हैं, मेरी सास की मतलब दियादी छोट देवरानी, मतलब वो लोग अलग अलग रहते हैं, मतलब एक साथ में नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। हम लोगों का घर वो वाले है और ये सब इनके घर ये है, ये बस किचन बाथरूम और ये सब है, और बाकी रहने वाला उधर साइड में जो प्लस्तर हुआ इस साइड वाला वो उसका है, तो वो नहीं है दोस्तों। तो पूजा है तो उनके भी घर साफ करते रहे क्या जाए, है ना दोस्तों? तो इसलिए बाहर देखते हैं साफ कर देते हैं। देखिए वो लोग नहीं है, आंटी भी रूम में सब बाहर कर दिया है आंटी जी का। उस साइड वाला मेरा है और इस साइड वाला मतलब उस साइड में हमारे हमारे जेठानी का, जब भी कभी वो होगा तो उसमें हम दोनों का होगा, और ये मेरे सास की मेरे देवरानी का ये सब है। देख लीजिए दोस्तों उधर का बाहर दिया, और जितना है ना इस साइड वाला प्लास्टर हुआ वो मेरे सास की दिया देंगे, यानी कि उनकी देवरानी जी का। इधर का ये सब जितना है गेट तक सब उसका है, और इस साइड वाले ये हमारा है, हम लोग इनमें हमारा हमारे जेठानी जी रहती है, मेरी सासू माँ, मेरी दादा माँ, मेरे पापा जी, मेरे भैया जी, हमारे हस्बैंड, ये सब हम लोग इसमें रहते हैं। तीन रूम है दोस्तों, एक में मेरे जेठानी रहते, एक में हम रहते, एक में बाबा का है, और एक किचन वाला है। तो बस अब देखते मिलते हैं दोस्तों, ये सब साफ करके। उधर आदमी लोग हैं बोल रहे हैं ना, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों ये बाबू को, मेरे जेठानी के बाबू कितना सुंदर है, हम इनमें खप रहे नहीं हूँ, हम गले को लग रहे इनके सामने में। एक दोस्त ने किया तो कमेंट कि इनकी मम्मी इनकी जेठानी बहुत सुंदर है, तो दोस्तों आप इनको देख के पता लगा ही सकते हैं। और दूसरे नंबर दोस्तों अब देख रहे हैं फूला फूला है, अब खीर उर बनेगा दोस्तों, अब शाम का ये काम सब हो के घर उंगली पा गया है, धूप बहुत ज़्यादा होगा, जल्दी सूख गया है, झारा झारा झार सॉरी दोस्तों झार बाहर होता है ना वो हुआ है, उसके बाद निकाला है। अब इस समय फूले बर्तन होता है ना इसमें बनेगा, इसमें आटा उटा घुलेगा, इसमें खीर बनेगा दोस्तों। कौन बाबू को कौन मरा है? तो दोस्तों आपको अपने मम्मी को जाने के लिए रो रहा है।
चलेगा दोस्तों। तो इसमें बनेगा तो अभी इसको धुआ के लेवा वो लगेंगे और बाकी का सब काम हो गया। सुबह को बर्तन वर्तन भी सब देख रहे हैं, सब रेडी है। और देखो उधर बाबू को बैठा दिया, इधर देख, देखो दोस्तों सारा काम हो गया, सब लिपाया उपाया है। हम लोग को अभी नहाना है दोस्तों, सुबह में हम नहाए ही है लेकिन फिर से नहाना पड़ेगा। ना बाबू ना रोए ले मर बेटी। और दोस्तों अब इसमें लेवा उबा लगेंगे और इसके बाद पहले हम लोग नहाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे क्योंकि खाना वाना खाया ना, तो इसके लिए नहा लेंगे। शाम को होगी पूजा, तो दोस्तों वो पार्ट टू करके वीडियो जाएंगे क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी, तो पार्ट टू में आप लोग जरूर देखना और अपना प्यार सपोर्ट बना रहे हो। कैसे कैसे होगा, हम लोग इधर नवमी कैसे पूजाते हैं हम आप लोग को दिखाएंगे। आज का घर पर जो पूजा होगा तो दिखाएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा, पार्ट टू वीडियो जाएगा, ये पार्ट वन है, पार्ट टू वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, लव यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी खुशी दोस्तों अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, लव यू, धन्यवाद।